अस्सलाम वालेकुम, मेडिकल इंसान मकान में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आमिर रफीक और आज की वीडियो में मैं मिस करने जा रहा हूँ जीशान हाकिम को, जो कि मेरा पार्टनर था। क्योंकि मैं इधर पाकिस्तान में हूँ, तो इस वजह से हम लोग इकट्ठे नहीं हैं और वीडियोस नहीं बना सकते। सो आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसरिंग के सेशन पे। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पर। यूनिवर्सिटी सबसे पहले समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया, तो आप लोगों को एक बात क्लियर बता दूँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 1930 से बनी हुई है ये और वो, मानते इस बात को कि ये 1930 की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट हुआ, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट हुए, वो 2020 से जाना स्टार्ट हुए हैं। सो इस बात से आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनली ये यूनिवर्सिटी लाइक पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए 2020 से स्टार्ट हुई है। और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे मेन क्वेश्चन जो बार बार मुझसे माइग्रेटेड स्टूडेंट्स ने पूछा, वो इंटर्नशिप का पूछा। तो यहाँ पर जो कोर्स है वो पहले जो था, पहले जब हम लोग गए थे तो ये MBBS था, क्योंकि 5 ईयर अलाउडेड था पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। अब PMC और NMC ने दोनों ने इसको बैन कर दिया, तो ये 5 ईयर से अब इसको शिफ्ट किया गया उस कॉन्ट्रैक्ट को 6 ईयर पे। सो यहाँ पर अब जो स्टडी हो रही है वो 6 ईयर MD की हो रही है। हाँ, अगर आप में से कोई MBBS में एडमिशन लेना चाहता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर बेस करता है कि आप किस तरह एडमिशन लेने जा रहे हैं। आपको 6 ईयर में चाहिए तो आपको 6 ईयर में एडमिशन मिलेगा, जिसमें 5 साल आप लोग पढ़ेंगे, 1 साल आप इंटर्नशिप करेंगे। और यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चाहूँ कि इंटर्नशिप पेड नहीं है यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में, इवन किसी भी कंट्री में आप लोगों को पेड नहीं मिलेगी इंटर्नशिप। और जो MBBS है वो 5 ईयर्स का है, आप लोग 5 ईयर्स करें उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। और इसी के साथ ही एक बात पूछी जाती है लाइसेंसिंग की, क्या लाइसेंस देते हैं या नहीं। लाइसेंस भी यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ कि वो हम लोगों को देगी, लेकिन उसके लिए एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम अगर आप लोग क्लियर करेंगे तो आपको उज़्बेक लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके लिए आपको उज़्बेक लैंग्वेज सीखना मस्ट है, उज़्बेक या रशियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी CIS कंट्री में आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपको रशियन या फिर और इंग्लिश नहीं आती। और उसके बाद टीचिंग सिस्टम और मेथड और स्टाफ के बारे में मुझसे पूछा गया, तो टीचिंग सिस्टम्स अभी शेड्यूल से हम लोग स्टार्ट होते हैं। सो मेरा जो बेसिकली शेड्यूल है वो स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से हमारी क्लास होती है, जो कि जाती है 4 बजे तक, ये नॉर्मल शेड्यूल है। 8 to 4 जो है वो क्लासेज होती हैं, और एक क्लास जो होती है वो 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होती है। एक दिन में आपकी 2 प्रैक्टिकल क्लास और 1 लेक्चर क्लास होता है। लेक्चर क्लास क्या होती है, वो 2 घंटे की एक शॉर्ट सी क्लास होती है जिसमें सिर्फ लेक्चर दिया जाता है। और प्रैक्टिकल क्लास में आपको 4 घंटे में जो आपको लेक्चर दिया गया था उसके मुताबिक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद सिलेबस पैटर्न की बात करें, तो सिलेबस ऑलमोस्ट हर कंट्री का, जहाँ भी आप इंटरनेशनली जाएंगे, सिलेबस उनका वे ऑफ टीचिंग जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो डिफरेंट है, इसी तरह उज़्बेकिस्तान में भी डिफरेंट तरीके से। और ये लोग जो है, ये लोग पहले आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, उसके बाद पैथोलॉजी पे आते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो इनका जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, लाइक किर्गिस्तान और यूक्रेन और इन जगह से काफ़ी डिफरेंट है इन लोगों का। उसके बाद अटेंडेंस, क्लास ड्यूरेशन और असाइनमेंट्स, डेली मार्क्स, ये क्वेश्चन आया था। सो अटेंडेंस यहाँ पर 100% चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, आप बीमार से आपने छुट्टी कर ली, या कोई और रीजन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों ने छुट्टी की है। तो आपने जो छुट्टी की, यहाँ पर ये होता है कि 6 दिन क्लासेस होती हैं, लाइक 5 दिन क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे। और अगर आपने कोई छुट्टी की है तो आप सैटरडे को उसका रीवर्क करेंगे, और वो रीवर्क आप अपने टीचर्स को ही सबमिट कराएंगे। वो आपको एक असाइनमेंट लिखने को भी दे सकते हैं, इवन आपसे सुन भी सकते हैं। तो इस यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ, आप तब तक एग्जाम नहीं दे सकते जब तक आपकी अटेंडेंस 100% नहीं होगी। 100% अटेंडेंस के बाद ही आप लोग जाके एग्जाम्स दे सकते हैं। और क्लास ड्यूरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और असाइनमेंट्स जो है वो असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे मिलती हैं, आप लोगों को लिखने के लिए भी काम दिया जाता है, और इवन उसको वो लोग एक सेल्फ वर्क के लिए भी आपको टॉपिक असाइन करते हैं कि आप लोगों ने इसको जाके प्रिपेयर करना है और अगली क्लास में आपने इनको आंसर करना है। एक वीक में एक सब्जेक्ट की कम से कम 2 क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस जो कि 4-4 घंटे पर होती हैं, तो उन प्रैक्टिकल क्लासेस में आप लोगों को उनके आंसर्स करने होते हैं। और एक और था हाउ मेनी क्लासेस, उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि तकरीबन 3 से 4 क्लासेस होती हैं। अगर हम प्रैक्टिकल क्लासेस की बात करें तो 2 प्रैक्टिकल क्लासेस मस्ट होंगी एक दिन में। और उसके बाद एग्जाम शेड्यूल्स और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात की, तो एग्जाम शेड्यूल ऐसे होते हैं कि जब भी हम लोगों का कोर्स लाइक यहाँ पे डिफरेंट है मैथड, पहले 2 साल आप लोगों को सेमेस्टर वाइज चलता है,
मतलब मिड्स होंगे उसके बाद फाइनल होगा। मिड्स होता है 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो उसमें एग्जाम भी इंक्लूड होता है। तो इस तरह समझ लेंगे 3.5 मंथ्स हम लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट 15 डेज में हम लोगों का जो होता है वो एग्जाम होता है। एग्जाम जो होता है वो बेस्ड होता है क्वेश्चंस पे, आपको 300 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर करना है। तो 300 क्वेश्चंस का मतलब है जितना भी आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है वो सारा इंक्लूड होगा। उसके क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं और फिर टिकट्स की सूरत में एग्जाम लिया जाता है। एक टिकट में 3 क्वेश्चंस होते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी टिकट नहीं उठा सकते, वो एग्जामिनर की मर्जी होती है। वो आए आपको आपकी मर्जी की टिकट दे दे, या फिर आपको कहे कि इसमें बहुत सारे टिकट्स एक टेबल पर पड़ी होती है, आपको इसमें से चूज करें, आपने उठानी है और उसका आंसर करना है। सो 3 क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर आप पेज पर लिखेंगे। 3 क्वेश्चंस का लिखने के बाद वो आपका फिर एग्जामिनर जो आपका वो आपका वाइवा लेगा। सो लिखने में भी आपके मार्क्स लिखने वाले भी काउंट होंगे और जो आपके वाइवा के मार्क्स हैं वो भी काउंट होंगे। और पीछे जो डेली बेसिस पर भी मार्क्स असाइन किए जाते हैं, जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनके मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस के 5 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। सो कम से कम 3 मार्क्स लेना आपके लिए नेसेसरी होता है। अगर आप 3 नहीं लेंगे तो आपको उसका रिवर्क करना पड़ेगा दोबारा से। वो 3 मार्क्स जो आपने एग्जाम में लिखा उसके मार्क्स और जो आपने वाइवा दिया उस सब को इंक्लूड करके आपकी जो एक परसेंटेज बनाई जाती है वो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन था लाइब्रेरीज और बुक्स का। सो वहाँ पर बुक्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। बुक्स हार्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, हाँ सॉफ्ट फॉर्म में आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इवन आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। लाइब्रेरी में जितनी भी सॉफ्ट फॉर्म्स में बुक्स पढ़ी वो रशियन में, सो अगर किसी को रशियन आती है तो वो वहाँ से बुक्स ले सकते हैं। वहाँ पर लाइब्रेरी कार्ड बना के देते हैं, उससे आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मतलब आपको रशियन नहीं आती तो मेरे ख्याल में आपको बुक्स इंडिया या पाकिस्तान से लेकर ही आनी चाहिए। अगर आप सॉफ्ट में उसको सॉफ्ट में नहीं पढ़ सकते तो अगर आप सॉफ्ट में कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों को बुक्स नहीं लेकर या बस सॉफ्ट वाली वो PDF डाउनलोड करेंगे और आप उससे जो भी अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन और सारे डिटेल्स मैंने आपको इसमें कोशिश की है कि जैसे प्रोसीजर्स चल रहे हैं वहाँ पे उसकी इन्फो दूँ। बहरहाल अगर आपको इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट यूनिवर्सिटी की SAMMU.uz आप इंटरनेट पे लिखेंगे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट पर भी पूरी डिटेल्स दी गई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या प्रोसीजर होता है। और इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो वेबसाइट डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके उस वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटेड टिल नाउ। ये अभी तक जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं लाइक पाकिस्तान और इंडिया, उसमें से कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ। हाँ इस साल जो है वो ग्रेजुएशन होने जा रही है। स्टूडेंट्स यूक्रेन से माइग्रेशन लेके आए थे, उनकी ग्रेजुएशन जो है वो इस साल कम्प्लीट होने जा रही है। सो पॉसिबिलिटी उनकी ग्रेजुएशन के बाद ही चीज़ें जो है वो और भी क्लियर हो जाएंगी कि ग्रेजुएशन का प्रोसीजर क्या है यहाँ पर।